हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान पेट्रोल के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 1 सितंबर 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स से दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हिंदुस्तान पेट्रोल में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन स्टॉक में हमें देखने मिला 3.73% का नेगेटिव मूव, 248.10 पे क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली, उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वन डे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम देखने मिला, कैंडल मीडियम साइज की बनी है बॉडी, नीचे साइड में बारीक से वीक देखने मिल रही है। आरएसएमआर 2829 यानी कि ओवर सोल्ड के एंड एरिया में जो एंट्री ले चुका है, जो हमें यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मूवमेंट का इशारा देता है। लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी हमें कंसिडर करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आरएसआई इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो पॉजिटिव मूव का एक्सपेक्टेड अपसाइड मूव जो हमें थोड़ा सा 2253 के आसपास देखने में, उसको भी क्रॉस करते हुए गया तो मूवमेंट हमें जो है वो 257 इवन यहाँ पे 260 तक आते देखने मिल सकती है। बाकी स्टॉक में यहाँ पे ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो यहाँ पे रिसेंटली स्टॉक एनालिसिस किया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था। अगर आपको जानना है जरूर उस वीडियो को देख ले। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वनआर के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे वनआर का चार्ट ऑलरेडी ओपन करके रखा है, सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस भी मार्क्ड है। जूम करके मैं बात करता हूँ क्लोजिंग की। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी की अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। क्लोजिंग की मैं बात करूँ 240.05 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 247.70 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 249 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का वीडियो ऐड किया, उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 246.70 का, उसके बाद 245.15 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 249.95 का, उसके बाद 251.05 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपन स्टॉक में यहाँ पे जरूर जो है एक पॉजिटिव क्लोजिंग का एक्सपेक्टेड अपसाइड मूव जो है हमें 249 से लेकर 249.95 के रेंज में हमें क्लोजिंग जो है देखने मिले। बाकी आपको क्या लगता है क्या हो सकता है कल के दिन हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।